अम्मा, अब्बा कैसे हैं? क्या हम उनकी वजह से कभी भी समा आके बेटे से नहीं मिल पाएंगे? दिल महसूस कर रह गई हूँ, समझ में ही नहीं आता कि कैसे मना। अम्मा आपने उन्हें बताया भी तो नहीं है ना? बताया था उसकी गोधरी होने का, क्या दिलचस्पी ली उन्होंने? साफ कह दिया कि जब उससे कोई रिश्ता नहीं है तो उसकी औलाद से भी कोई रिश्ता नहीं। तो अम्मा आपने उन्हें ये तो नहीं बताया ना कि वो अब इस दुनिया में आ गया है, कि वो अब एक नन्हे से नवासे के नाना बन गए। आप लिख लें, जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो वो भाग के दौड़ के जाएंगे और उसे माफ कर देंगे। खुशफहमी है तुम लोगों की, मैं उससे हर किस्म का रابطہ तोड़ चुका हूं, हर खुशी और हर गम का रابطہ। तो फिर एक बच्चे के आ जाने से मेरे नजरियात, मेरे ख्यालात बदल तो नहीं जाएंगे? लेकिन बस मुझसे बहस मत करो, ना मैं वहां जाऊंगा और ना ही तुम दोनों। वो मेरे लिए मर चुकी है और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता भी। अल्लाह ना करे, अभी उस बेचारे को दुनिया में आए 2 दिन हुए और आप उसे कोस रहे हैं। अब जब उसकी अपनी औलाद बेराहरवी का शिकार होकर उन्हें तकलीफ पहुंचाएगी ना, तो तब उन्हें पता चलेगा। बद्दुआ तो ना दे। कोई माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जब औलाद माँ बाप का दिल दुखाती है ना, तो फिर कुदरत सजा देती है और उनको भुगतना पड़ती है। अम्मा ठीक हो जाएगी, यकीन है मुझे। बेटा असल से सूद प्यारा होता है, ज्यादा दिन नहीं रह पाए। एक तो आपकी ना खुशफहमियां ही नहीं खत्म होंगी कभी,